एपिसोड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हम लोग स्कल की स्पॉटिंग करने लगे हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले नॉर्मा बजेलिस कर रहे हैं। नॉर्मा मतलब होता है एंगल, कि आप स्कल को किस एंगल से देख रहे हो। तो वी आर स्टडिंग स्कल फ्रॉम इट्स बेस, सो दिस इज नॉर्मा बजेलिस। अब फॉर द डिस्क्रिप्टिव पर्पजेज, जो हमारा ये नॉर्मा बजेलिस होता है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स: एंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। द एंटीरियर पार्ट कंसिस्ट के यहाँ पे आपके टीथ से स्टार्ट होता है और जो पोस्टीरियर फ्री मार्जिन होता है आपके पैलेटाइन बोन का, वहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। और मिडल पार्ट जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होकर आपके फोरामेन मैग्नम से तक होता है, और फोरामेन मैग्नम से पीछे तक जो है वो आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है। नाउ फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बजेलिस। सो एंटीरियर पार्ट में सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे टीथ लगे हुए हैं, ये एल्वियुलर सॉकेट्स के अंदर टीथ होते हैं। तो ये एल्वियुलर आर्च जो है ये बना रहा होता है। दिस इज बेसिकली द हार्ड पैलेट। जो हमारे पास हार्ड पैलेट होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ बोन। दिस इज द मैक्सिला बोन, दिस इज द सूचर एंड दिस इज द पैलेटाइन बोन। दिस इज द पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला बोन एंड दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन। नाउ दीज ऑल बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद ईच अदर थ्रू सर्टन सूचर्स। सो दे बेसिकली, एज दिस इज मैक्सिला बोन, सो दिस इज इंटर मैक्सिलरी सूचर। एज दिस इज पैलेटाइन बोन, सो इट इज इंटर पैलेटाइन सूचर। As the two bones are joined together by maxillopalatine suture. अब ये सूचर यूँ है कि ये इस तरह एक प्लस आप बना रहे हैं, क्रॉस बना रहे हैं, तो हम इसको मिला के बोलते हैं कि हार्ड पैलेट में क्रूशिएट सूचर इज प्रेजेंट। अलॉन्ग विद डैट, आपके इंटीरियर पार्ट में ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन होता है, और साथ साथ जो है ना कुछ लेसर पैलेटाइन फोरामिनाज भी होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तीन लेसर फोरामिना है, यहाँ पर एक है, ये ग्रेटर है, ये लेसर है, और ये बोन टूटी हुई है, ये कोई फोरामेन नहीं है। This is basically a spine as it is present posteriorly, so it is known as posterior nasal spine. Laterally to the posterior nasal spine there are crust, and these are known as palatine crust, right? So we are done with the anterior part of the norma basalis. Now coming towards the middle part, the middle part ke bony landmarks ki baat karte hain, to sabse pehle yahan pe hame woomer bone nazar aati hai, jo is skull mein thodi si tooti hui hai, aur niche jo hai ye ala of woomer present hota hai. Woomer ke laterally do plates maujood hoti hain, jo ek dusre ke respect mein medially aur laterally hoti hain. Ye medial pterygoid plate hoti hai aur ye lateral pterygoid plate hoti hai, aur in dono ke darmiyan pterygoid fossa maujood hota hai, as you can see a depression here, right? Okay, ये हम है, दिस इज द बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, और बॉडी ऑफ स्फेनॉइड में एक ट्यूबरकल होता है, एज यू कैन सी दिस इज नोन एज फ्रेंजुअल ट्यूबरकल, राइट? यहाँ पर हमारी पलेटो वेजाइनल कैनाल भी मौजूद होती है, जो कि यहाँ पे आप प्रॉपरली स्पॉट नहीं कर पाते हो। उसके अलावा अगर आप ये देखें, तो ये आपका जाइगोमेटिक आर्क होती है, जाइगोमेटिक आर्क होती है, और ये बेसिकली मैक्सिला का ही पार्ट होता है, जाइगोमेटिक आर्क, राइट? उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ फोरामेंस देख लेते हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए पेजेस इंसर्ट किए हुए हैं डिफरेंट फिशर में। तो ये आँख के ऊपर अगर एक फिशर होता है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, राइट? आप देख सकते होंगे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, राइट? ओके, उसके अलावा एक और फोरामेंस बहुत सारे होते हैं। हमने जो दूसरा जो आपका ये सुपीरियर नॉर्मा से हमने देखा था, तो यहाँ पे हमारा फोरामेन ओवेल था, तो नीचे भी ये जो आ रहा है ये फोरामेन ओवेल है। आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइस, राइट? फोरामेन ओवेल दोबारा दिखा दें। दिस इज द फोरामेन ओवेल, सामने से ये ऐसा है, ओवल है, और ये पीछे से ऐसा है, और इसके कंटेंट्स आप सबको पता है, उसकी एब्रीविएशन सी मेल एमिसरी वेन्स होती हैं, जैसे पेट्रोसल नर्व वगैरह होती हैं, ये इसमें मौजूद होती हैं। उसके अलावा ये हमारे पास है फोरामेन स्पाइनोजम। अब ये एंटीरियरली तो काफ़ी विजिबल है, लेकिन पोस्टीरियरली इतना विजिबल नहीं होता। अब मेरे पेन की निब थोड़ी चौड़ी है, अगर पतली निब होती तो सुई टाइप होती तो मैं आपको इंसर्ट करके बता देती। तो दिस इज फोरामेन स्पाइनोजम, राइट? उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है वो है फोरामेन लेसरम, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री होती है थोड़ी लेसरेटेड होती है, तो ये फोरामेन जो है ये फोरामेन लेसरम है, राइट? दिस इज द फोरामेन लेसरम। तो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे फोरामेन लेसरम, फोरामेन ओवेल्स, फोरामेन स्पाइनोजम। ये हमारे पास एक कैनाल टाइप होती है, इसको हम कैरोटिड कैनाल कहते हैं, आपको नजर आ रही होगी ये कैरोटिड कैनाल है। उसके अलावा एक होता है जुगलर फोरामेन, उसके लिए मैंने एक पेज इंसर्ट किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये जो इस तरह अगर हम इसको देख पाएँ, ये जो हमारे पास है ये जुगलर फोरामेन है, राइट? जुगलर फोरामेन, पीछे ये यूँ निकल रहा होता है जुगलर फोरामेन, और आगे से ये यूँ होता है जुगलर फोरामेन, ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जुगलर फोरामेन हो गया, राइट?
उसके बाद अब हम लोग इसके पोस्टीरियर, हाँ उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्फिनॉइड बोन भी होती है और साथ साथ टेम्पोरल बोन भी होती है। ये पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होता है और ये हमारा साइड पे जितना भी होता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होता है। ये हमारे पास स्टोलॉइड प्रोसेस होता है और ये हमारे पास जो है ये मेस्टॉइड प्रोसेस होता है, राइट। स्टोलॉइड प्रोसेस ये आप देखिए बिल्कुल एक आपके उसकी तरह निकल रहा है, एक शार्प सी आप कह सकते हैं वो है, तो ये आपका स्टोलॉइड प्रोसेस है, ठीक हो गया। मैं एक बात बताना भूल गई, आपको पता है कि हमारे दो पहले दांत जो होते हैं ये इंसीजर्स कहलाए जाते हैं, जिसे आप चीज़ों को बाइट करते हो, आप उसको बाइट करते हो, तो उसके नीचे एक फोरेमन होता है, उसको कहते हैं इंसीजर फोरेमन, इंसीजर फोरेमन, ये वाला इंसीजर्स के नीचे है ना, तो इंसीजर फोरेमन कहलाया जाता है, राइट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पोस्टीरियर यू नो एस्पेक्ट ऑफ द नॉर्मा बजैलिन। तो जो सबसे बड़ा इसमें फॉरेमन आपको नजर आता है फॉरेमन मैग्नम है, जहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो और मेड्यूला ऑब्लोगेंटा वगैरह है वो यहाँ से गुजरते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन स्टार्ट हो गई है, तो ये जो दो आपको नजर आ रही हैं ये ऑक्सीपिटल कंडाइल्स हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। उसके अलावा यहाँ पर एक फॉरेमन आपको नजर आ रहा होगा, ये होता है मेस्टॉइड फॉरेमन, राइट। मेस्टॉइड फॉरेमन है ये, आप याद रखिएगा, ये वाला जो फॉरेमन है ये हमारा मेस्टॉइड फॉरेमन है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अगर आप यहाँ से इधर से देखें तो ये मतलब मैं आपको स्पॉट करके बताऊँ, हाइपोग्लॉसल कैनाल होती है ये, यहाँ से ये देखें, ये हाइपोग्लॉसल कैनाल है जो कि इधर इधर से निकल रही होती है, इधर से आप निप आपको मेरी नज़र नहीं आ रही होगी, ये जो है ना ये दिस वन, दिस इज़ द हाइपोग्लॉसल कैनाल, यप दिस वन, दिस इज़ द हाइपोग्लॉसल कैनाल, राइट, एंड दीज आर द ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। उसके अलावा हमें यहाँ पर हम काफ़ी पढ़ते हैं नुकल लाइंस एंड प्रोट्यूबरेंस वगैरह, तो सबसे पहले ये जो हमारे पास होती है, ये हमारे पास होती है इन्फीरियर नुकल लाइन, जो कुछ स्कल्स में तो काफ़ी विजिबल होती है बट कुछ में इतनी नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पर एक लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर नुकल लाइन। इसको हम इसके बाद एक और होती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर नुकल लाइन, और उससे भी ऊपर एक और न्यूक्लियर लाइन होती है उसको हम बोलते हैं सुप्रीम न्यूक्लियर लाइन, राइट। तो दीज टू आर इन्फीरियर सुपीरियर एंड सुप्रीम न्यूक्लियर लाइन, राइट। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्रोट्यूबरेंस ही फील होती है, एक उभराव सा होता है, बल्जिंग होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, राइट। और ये जो आपकी यहाँ बोन होती है ये पराइटल बोन वगैरह यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास आई डोंट थिंक कि और कोई चीज़ है पॉजिटिव में बताने के लिए, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉर्मा बजैलिस। और अगर कोई और चीज़ हुई तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी, कुछ मिसिंग हो गया, जज़ाक अल्लाह खैर।